नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों से। पीएम नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। यहां राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मोदी शांति निकेतन के लिए हेलीकॉप्टर से निकल गए। शांति निकेतन में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची। यहां हेलीपैड पर अजब ही वाक्य हुआ यूं कि ममता बनर्जी पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए उनके विमान तक तेजी से आ रही थी। हालांकि मोदी विमान से उतरकर कुछ दूर पैदल चल चुके थे। इसी दौरान पीएम मोदी ने देखा कि हेलीपैड के पास ही कीचड़ पड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने तेजी से आगे बढ़कर हाथ के इशारे से ममता बनर्जी को रुकने का इशारा किया। हालांकि ममता बनर्जी रुकी नहीं, लेकिन उन्होंने कीचड़ देख अपना रास्ता बदल दिया। शांति निकेतन में पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश भवन का उद्घाटन किया। अपना संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की इस पवित्र भूमि पर इतने आचार्यों के बीच में मुझे आज कुछ समय बिताने का अवसर मिल रहा है। भारत और बांग्लादेश दो राष्ट्र हैं, लेकिन हमारे हित एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग से जुड़े हैं। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी भी वहाँ मौजूद रही। पीएम नरेंद्र मोदी 29 से 31 मई तक इंडोनेशिया के दौरे पर जा रहे हैं। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को मजबूत करना है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़ी मुस्लिम जनसंख्या वाले इस देश के दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी का जोर कई तरह की डिप्लोमेसी पर होगा। इस यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पद्मनाभन मंदिर में रामायण बैले का प्रदर्शन देखेंगे, जिसमें सभी कलाकार मुस्लिम होंगे। कर्नाटक में कुमार स्वामी सरकार के बहुमत परीक्षण से पहले कांग्रेस जेडीएस गठबंधन को बड़ी राहत मिली है। विधानसभा स्पीकर पद के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया है। उसके बाद कांग्रेस के रमेश कुमार निर्विरोध विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए। मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने रमेश कुमार के निर्विरोध स्पीकर चुने जाने पर विपक्ष को भी धन्यवाद दिया। बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने रमेश कुमार को बधाई दी। केरला उपचुनाव में जुटी बीजेपी के लिए मोर्चा संभालते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रालोद के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी के गन्ना और जिन्ना वाले बयान पर पलटवार किया है। योगी ने बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिन्ना के बजाय गन्ना हमारी पहली प्राथमिकता है, लेकिन हम जिन्ना की फोटो भी नहीं लगने देंगे। केंद्र और महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी भले ही साथ साथ हो, लेकिन दोनों की जुबानी तलखी चरम पर है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर हमला बोला है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ढोंगी करार दिया है। शिवसेना ने कहा कि घात, विश्वासघात, खंजर घोपना जैसी शब्द योगी और देवेंद्र फडणवीस के मुँह से शोभा नहीं देते हैं। तूतीकोरीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता के वकील की याचिका पर 28 मई को फिर से सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में तूतीकोरीन मामले को लेकर दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। महाराष्ट्र एटीएस की पकड़ में आए लश्कर के संदिग्ध आतंकी फैजल मिर्जा को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आतंकी फैजल मिर्जा ने बताया कि उन्हें भारतीय रेल को निशाना बनाने का काम सौंपा गया था। उन्होंने ये भी बताया कि वो और अल्ताह रखा अबू बेकर मंसूरी बहुत जल्द रेलवे की पटरी उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्हें पाकिस्तान से बम बनाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। धार्मिक उन्माद और नफरत के बीच कई बार आपके मन का विश्वास इंसानियत से उठ जाता है, लेकिन फिर हमारे समाज में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जो इंसानियत की मिसाल कायम करते हैं। दक्षिण भारत में एक ऐसे ही मंदिर में ऐसा कुछ होने जा रहा है। केरल के मल्लिकापुरम जिले के विष्णु मंदिर में रमजान के दौरान मुस्लिमों को मंदिर के अंदर इफ्तार पार्टी आयोजित करने की योजना बना रहा है। पुन्नाथला के लक्ष्मी नारायण मूर्ति मंदिर में फैसला किया गया है कि दो समुदाय के बीच सद्भावना बढ़ाने के लिए इफ्तार पार्टी दी जाएगी। कनाडा में एक भारतीय रेस्टोरेंट में धमाका हुआ है। टोरंटो शहर के उपनगरीय इलाके मिसिसागा में बॉम्बे भेल रेस्टोरेंट में हुए धमाके में कम से कम 15 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि रेस्टोरेंट में धमाके की सूचना मिली, जिसके बाद हम वहां पहुंचे। प्लाजा को बंद कर दिया गया है। हम जाँच कर रहे हैं। आसपास के इलाकों में तलाशी भी ली जा रही है। सरकार के वादों और आश्वासनों के बीच आम लोगों पर बढ़ती महंगाई की मार जारी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज 12वें दिन रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की बढ़ती कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमतों में कमजोरी की वजह से तेल की कीमतों में उछाल आई है। भारत सरकार स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है ताकि सामान्य और मध्यम वर्गीय को राहत दी जा सके। हम कई कदमों पर विचार कर रहे हैं।
एयरटेल ने 49 रुपए और 193 रुपए के दो नए एड ऑन प्लान लॉन्च किए हैं। फिलहाल ये प्लान दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे सर्कल में दिए जा रहे हैं। कंपनी का दावा है कि जल्द ही इन प्लान का अन्य सर्कल में भी शुरू किया जाएगा। फिल्म अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों का दौरा किए जाने के बाद बीजेपी नेता विनय कटियार ने आज कहा कि रोहिंग्या और साथ ही उनसे हमदर्दी रखने वाले लोगों को भारत में नहीं रहना चाहिए। प्रियंका ने यूनिसेफ की सद्भावना दूत के रूप में सोमवार को कॉक्स बाजार में शरणार्थी शिविरों का दौरा किया था और रोहिंग्या संकट को भयावह बताया था। आखिरकार काला फिल्म की रिलीज डेट आ ही गई है, साथ ही फिल्म का नया पोस्टर भी सामने आया है। रजनीकांत की ये फिल्म अब 7 जून को रिलीज होगी। इससे पहले ही फिल्म के मेकर्स ने इसका एक पोस्टर लॉन्च किया। इसमें हुमा कुरैशी एकदम नए अवतार में नजर आ रही हैं। हुमा ने ये पोस्टर अपने ट्विटर पर भी शेयर किया है। दिन भर की खास खबरों में साथ सिर्फ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।